बिचुरा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान रेल मंत्री ने धामपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने रेलवे विभाग में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक बजट दिया है। इसके पीछे मकसद उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों का नक्शा बदलकर उसकी अलग पहचान बनाना है। धामपुर रेलवे स्टेशन शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने जनता को संबोधित कर कहा कि साल 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश में केंद्र द्वारा रेलवे विभाग को मात्र 1100 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता था, जो उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुसार ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर था। आज मोदी सरकार उत्तर प्रदेश का वही बजट बढ़ाकर 17,000 करोड़ कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, इसका विकास भी उसी के अनुसार होना चाहिए। इसके पीछे मकसद भी यही है, प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, साथ ही फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, अंडरपास की का भी निर्माण किया जाएगा, साथ ही व्यापारियों का माल रखने के लिए गोदाम बनाए जाएंगे जिससे व्यापारियों को सहूलियत मिल सके। कार्यक्रम में रेलवे विभाग के अधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज शिलान्यास रखा जाएगा, काम कब चालू होगा? डीआरएम साहब क्या बोल रहे हैं, सुनना चाहोगे? बोलो जी डीआरएम। नीव का गड्ढा पीछे का एक तिहाई पोर्शन बिल्डिंग का तोड़ चुका है और शिलान्यास हो सके इसलिए ये सामने वाला स्ट्रक्चर बचा कर रखा है। काम चालू होगा कल से नहीं, आज से काम चालू होगा, आज से। साथियों, आपके सामने देखते देखते मोदी जी और योगी जी के स्वप्न की एक शानदार मिसाल धामपुर में कायम होगी। धामपुर को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाएंगे और आपकी बहुत सारी दूसरी जो डिमांड्स है वो डिमांड्स में भाई राणा साहब से बात करके आपकी जो भी डिमांड होगी उसका जो भी जायज रिक्वायरमेंट होगा उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।